हम तो हमेशा से लालो दिल में। दिल में। देखिए आज यहाँ पे सुबह से बारिश और स्नो हो रही है। और फ्रेंड्स, हमारी स्कूल की जो पढ़ाई थी, ट्रेनिंग थी, वो फाइनली ख़त्म हो गई है। और एक बार फिर से हमको भेज दिया गया है बाहर इंटर्नशिप पे। पहले गए थे किचन असिस्टेंट की और अब गए हम सेफ की इंटर्नशिप के लिए। और मुझे जहाँ भेजा गया है वो है सुशी रेस्टोरेंट। और मेरी शिफ्ट शुरू होती है 9 बजे से और मेरी बस आने वाली है। अभी टाइम हो रहा है, टाइम 8:20 हो रहा है। 8:20 पर मेरी बस आ जाएगी। 1-2 मिनट है अभी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तब तक ज़रा यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर लूँ। और ये देखिए, मैंने पिछले संडे को सारे कपड़े बंद कर लिए थे क्योंकि यहाँ पर 13-14 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। तो मैंने सोचा गर्मी आने लग गई होंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि दोबारा से यहाँ पर स्नो हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। और आज मैंने सुबह सुबह कपड़े निकाले, जूते निकाले। ये देखिए, ये जूते मैंने सब बंद कर लिए थे और आज सुबह सुबह मेरे को निकालने पड़े। और यहाँ पे फिर से हो गई है बहुत ही खतरनाक वाली ठंड। कल भी बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन कल पूरे दिन बारिश थी और आज यहाँ पे सुबह से हो रही है। सुनो, अभी थोड़ा सा बंद हो रखी है, रुक रुक के हो रही है, क्या पता दिन में भी और हो जाएगी। अभी तो सुबह है और आज जा रही हूँ मैं इंटर्नशिप पे। और देखती हूँ मैं वहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे काम करने का तरीका है। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, कोई बात नहीं, खतरों से खेलने का तो मेरे को शौक है, खतरों के खिलाड़ी। और मेरी बस आती है फिर मैं चलती हूँ, ठंड भी लग रही है। खतरों से खेलने वाली का नाम है डॉली। खतरों से खेलने का तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है, और जहाँ पे खतरा ही ना हो वहाँ पे तो काम करने का मज़ा ही कुछ और, मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए बस देखा जाएगा, मैं तो यही बोलती हूँ, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। घुसते जाओ, फिकर करके घुसते जाते हो, देखा जाएगा। और मेरी बस आ चुकी है, करेक्ट टाइम पे आ गई। आज तो 8:20 हो रहा है, 8:20 पर मेरी बस आ गई है। अभी समर में बहुत अच्छी भीड़ भाड़ होती है क्योंकि एक तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। मेरे मुँह में ना धूप आ रही है, ऐसे क्योंकि एक तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। अभी जैसे जैसे धूप आएगी लोग आएंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे, दिन भर अपना खाना पीना खाएंगे, इंजॉय करेंगे। और ये देखिए पीछे, मेरे पीछे नहाना धोना हो रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छी लोकेशन है, मैं तब तक धूप सेक लेती हूँ। कल तो ठंड थी, आज तो फिर भी जरा सा ठीक है, सर हम धूप सेकने को तो मिल रहे हैं। और मेरे पीछे कितना अच्छा बगीचा है, थोड़ा सा धूप लगेगी, अच्छे हो जाएंगे।
कौन है माँ? बाउल तैयार कर चुकी है और ओताइन पे लॉक लगा रहा है योग योग प्रोटाइन इन दिस का एनगोंगटिल एनगोंगटिल हम तो हमी से सलालो दिल में बेबी हूँ योग से बुलाऊं नहीं हमको अब करने वाली हूँ मैं इनकी तैयारी मेरा लंच टाइम मज़ा आया यहाँ पे काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि एक तो मुझे यहाँ पे हिंदी बोलने वाले भी मिल गए हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में सारे के सारे बहुत अच्छे हैं बहुत हेल्प भी करते हैं मेरा दिन तो बहुत अच्छा गया है और अब जा रही हूँ मैं घर पे यहाँ पे बसें खड़ी हो रखी हैं किसी में भी घुस जाऊँगी तो अब जा रही हूँ मैं घर थकान इतनी भी लगी है क्योंकि माहौल अच्छा रहता है ना तो फिर थकान भी नहीं लगती है और माहौल अच्छा ना रहे तो फिर मन नहीं लगता बट माहौल अच्छा है सारे के सारे बहुत अच्छे हैं इसलिए मुझे थकान भी नहीं लगी थोड़ी बहुत लगी है बट साथी अच्छे मिल गए हैं तो फिर भले मैं रोड क्रॉस कर लेती हूँ आज मैं ऐसी चीज़ लाई हूँ अपने बच्चों के लिए जो कि मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और देखती हूँ मैं कि ये लोग गेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं कि मैं क्या लेकर आई हूँ मैं दरवाजा खोलती हूँ और देखती हूँ क्या करते हैं ये लोग खोलो खोलो बही खल खल वही खल अले वेले दो दो कुत्ते अले वेले दो दो कुत्ते मिले दो दो कुत्ते बोलो कुछ पाली कर दो अच्छी पाली कर दे मेरे कुत्ता पाली कर दे पाली कर करने नहीं दे रहा उसको पाली कर दे मैं बच्चा चोनी पाली कर दे मम्मी को पाली कर दे
ये देखे मेरे दो दो कुत्ते खड़े हो रखे मेरे गेट पे। ओ कुत्तो हमें ले दो दो कुत्ते, ये देखो मैं क्या लाई हूँ। कानो गज कल गज कल हुई 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 कच्चे चुंगी चुंगी कल चुंगी चुंगी कल। क्या लाई हूँ मैं? केक। सुशी में केक कहाँ से मिलेगा? सुशी में केक कहाँ से मिलेगा? सुशी लेके आई हो फिर? सुशी सुशी कहाँ से लाऊं? कुछ सुशी तुम लोग खाते नहीं, इसलिए लाई नहीं। मैं ऐसी चीज लाई हूँ जिसको तुम इंडिया में बहुत पसंद करते थे। बताओ क्या लाई हूँ मैं? चिकन है? नहीं पता नहीं होगी। चिकन नहीं खाते थे आजकल? बताओ तुम बहुत पसंद करते थे उसको। कुछ पसंद नहीं करते तो डेली खाते थे तुम। बताओ 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 गेस कर गेस कर। तू बता मेरे छोटा कुत्ता, तू बता। बड़ा कुत्ता तो फेल हो गया। बता भाई क्या लेकर आई हूँ मैं? पता नहीं। लड़कियों का सबसे ज्यादा फेवरेट क्या होता है? पता नहीं। फेल हो गए तुम। लो जो जो ये चीजें हैं इनको खोल के देख क्या है। सरप्राइज। हाथ साफ है ना तेरे? कितना टाइम लगा रहा है खोलने में। सरप्राइज चीजें ऐसी होती हैं। मैं इस लाइफ में निकाल, मेरे बच्चे ना खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, खुश। थोड़ा सा लाई बट इतना भी ज्यादा भी नहीं ला सकते ना। मज इस पे लॉक तो लगा दे। ये कल लाई थी, ये कल का यही का यही भी रख रख पैकेट खोल रखा भी नहीं। इसमें भी मोमोज है। ढंग से उठा दी। ये क्या है? ये क्या है? खा के देख। नहीं दोनों मोमोज ही हैं वो। ये स्टीम वाले हैं, ये फ्राई वाले हैं। वो थोड़ा सा स्पाइसी है। ये सॉस है, चिली सॉस। कल के लिए भी बचा देना हाँ, दोनों खाना मिलके। खोलने नहीं रहा। ढंग से खोल। सॉस है उसमें, चिली सॉस मोमोज के साथ। इधर दिखा। अच्छा। कौन सा? ये भी नहीं दिखाता इतना। जब चिल्लाता है मेरे पे तब तेरी शक्ल रिकॉर्ड करने लायक होती चाहिए। ठीक है।